अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों एडसेंस की जानब से एक हर यूट्यूबर्स को एक ईमेल सेंड की गई है जिनका एक यूट्यूब चैनल है और उसके साथ उसका एडसेंस लिंक है। तो एडसेंस की जानब से उन सब यूट्यूबर्स को एक ईमेल सेंड की गई है, ए न्यू वे टू मैनेज एंड व्यू योर यूट्यूब अर्निंग। इसका क्या मकसद है और इससे आपकी अर्निंग पर क्या इन्फेक्ट पड़ने वाला है और इस ईमेल के बाद आपको क्या सेटिंग इनेबल करना पड़ेगी, वीडियो सारी डिटेल्स आपको इस वीडियोस में देने वाला हूं। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि इस तरह के मजीद अपडेट्स आप तक पहुंच सके। इस ईमेल में एडसेंस कहता है कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं मार्च के महीने में इन सभी के एडसेंस अकाउंट में ये इम्पैक्ट हो जाएगा, सभी यूट्यूबर्स के एडसेंस अकाउंट में ये लागू कर दिया जाएगा। इस ईमेल का मकसद क्या है, सबसे पहले वो ये बताते हैं, वो यूट्यूबर जिनका एडसेंस के साथ एक ही यूट्यूब चैनल लिंक है और एडसेंस अकाउंट में यूट्यूब के अलावा किसी और चीज़ की पेमेंट नहीं आती तो नेक्स्ट मंथ एडसेंस अकाउंट के होम पेज में उन यूट्यूबर्स की पेमेंट शो नहीं करवाई जाएगी। एडसेंस अकाउंट के लेफ्ट साइड में आपको 3 लाइंस नज़र आएंगी, उन लाइंस के ऊपर आपने क्लिक करना है। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगी पेमेंट की, पेमेंट पर क्लिक करके आप अपने यूट्यूब की अर्निंग को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और सेकंड नंबर पे एडसेंस कहता है कि वो यूट्यूबर जिन्होंने अपने एडसेंस अकाउंट के साथ अपना यूट्यूब चैनल को लिंक किया है और उसी एडसेंस अकाउंट के साथ उन्होंने अपनी किसी वेबसाइट को भी लिंक किया है तो अब तक यूट्यूब चैनल और वेबसाइट से जितनी भी अर्निंग होती थी वो फ्रेश होल्ड में एडसेंस अकाउंट के होम पेज के अंदर इकट्ठी नज़र आती थी और इन दोनों की अर्निंग मिलाकर जितनी भी पेमेंट होती थी, जितनी भी अर्निंग होती थी यूट्यूब चैनल से और वेबसाइट से दोनों को मिलाकर एडसेंस के अकाउंट में फ्रेश होल्ड में नज़र आती थी और जब वो अर्निंग $100 क्रॉस करती थी तो एडसेंस अकाउंट उनकी जो पेमेंट है वो ट्रांसफ़र कर देते थे। लेकिन अब मार्च के महीने में क्या होने वाला है कि आपकी यूट्यूब से जितनी भी अर्निंग होगी वो एडसेंस अकाउंट के जो होम पेज है, पेमेंट वाला सेक्शन है, वहाँ पर नज़र आएगी। लेकिन उसके साथ अगर आपकी किसी एप्लीकेशन से या वेबसाइट से जो भी अर्निंग आती है उनको उनके साथ मर्ज नहीं किया जाएगा, यूट्यूब की अर्निंग अलग होगी और आपकी किसी एप्लीकेशन से या आपकी वेबसाइट से जो भी अर्निंग होगी वो अलग शो होगी। और सेकंड पॉइंट, इस ईमेल में एडसेंस क्या कहता है कि इस ईमेल के बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि नो एक्शन इज नीडेड। तो एडसेंस कहता है कि आपकी यूट्यूब से जितनी भी अर्निंग होगी जब भी वो एडसेंस अकाउंट में आएगी और आपकी जो यूट्यूब की अर्निंग $100 क्रॉस करेगी तो एडसेंस खुद ब खुद आपकी जो पेमेंट है, अर्निंग है, वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। तो दोस्तों थर्ड पॉइंट पे एडसेंस कहता है कि विल दिस इम्पैक्ट माय अर्निंग, कि इस ईमेल के बाद जो मार्च के महीने में जो चेंजिंग होगी इससे आपकी यूट्यूब चैनल की जो अर्निंग है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इससे हमें क्या बेनिफिट होने वाला है या हमें नुकसान होने वाला है। वो कहते हैं कि अमाउंट जो भी आपके एडसेंस अकाउंट में आएगी, आपके यूट्यूब चैनल से जितनी भी अर्निंग आपके एडसेंस अकाउंट में आएगी और जब वो $100 उसकी रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट होगी तो एडसेंस खुद ब खुद आपके जो बैंक है वहाँ पे उसको ट्रांसफ़र कर देगा। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज़।